मॉर्निंग क्लास 10 विषय हिंदी अनुच्छेद लेखन, हिंदी के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन। और यह अनुच्छेद तीसरे नंबर का अनुच्छेद है, अर्थात इससे पहले हम दो अनुच्छेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज का जो शीर्षक है, जिस शीर्षक पर अनुच्छेद है, वह है मेरे प्रिय शिक्षक, अर्थात माय डियर टीचर, मेरे प्रिय शिक्षक या मेरे प्रिय गुरु, उसके ऊपर अनुच्छेद है। और यह तीसरे नंबर का अनुच्छेद है, जैसा कि मैंने यहां भी बताया है। प्रिय छात्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक किसे कहते हैं। पहले तो वो समझना होगा हमें, शिक्षक होता क्या है, शिक्षक की क्या परिभाषा है, शिक्षक का क्या अर्थ होता है। अच्छा, एक चीज और कहने चाहूंगा मैं अपना इस शीर्षक पर बात करने से पहले, कि जो कुछ भी मैं आपको अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत, जो भी मैं आपको अनुच्छेद के बारे में बता रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहा हूँ, ये सब कुछ अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मैं हर अनुच्छेद को एक इमला की तरह पढ़ू किताब में से, वो तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह होगा। तो मैं आपको अनुच्छेद आपकी पुस्तक में है, मैं उस पुस्तक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, मैं उस शीर्षक के बारे में जिस पर अनुच्छेद हम लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको गहराई से उसका वर्णन करते हुए बताता हूँ। जो कुछ भी कहता हूँ वह आपके लिए बहुत सुनने योग्य है, और उसको सुनने के बाद में आप अपने विचारों को, जब आपकी परीक्षा में जब अनुच्छेद लेखन लिखने को आएगा, तो आप उसको एक एक शब्द सह उस लाइन को उस अनुच्छेद में लिखिएगा। ये सब गहराई से सुनने के बाद में ही आप प्राप्त कर सकते हो। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं अनुच्छेद लेखन के बारे में, अनुच्छेद के बारे में, जो शीर्षक को लेकर मैं आपके सामने उसका वर्णन कर रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं, उस सबको आप ध्यान पूर्वक पढ़ो, सुनो, और सुनने के बाद में आप स्वयं उसको लिखने की कोशिश करो। अर्थात आपने जो कुछ भी सुना, कहते हैं कि लिसनिंग पावर जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए, सुनने की जो शक्ति, श्रवणात्मक शक्ति जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आप प्रत्येक विषय पर मेरे द्वारा अनुच्छेद पर आप मेरे शब्दों को सुनिए, और उस विषय पर मैं अपने शब्दों को कहता हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, तो आप उसको लिसन केयरफुली होके सुने, और वही सब कुछ आपको अपने एग्जाम में लिखना है। प्रारंभ करता हूं मेरे प्रिय शिक्षक की बात। शिक्षक क्या होता है, सर्वप्रथम हमें समझना होगा। शिक्षक उसे कहते हैं जो छात्रों को, अपने छात्रों को अच्छे तरीके से शिक्षित करता है। वह उस छात्र को, अपने को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। उस छात्र के साथ में उसका व्यवहार कुशल होता है, और उसे अधिक से अधिक जताने की कोशिश करता है, उसको शिक्षित करने की। हर प्रकार से शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक की पहचान है कि वो अपने छात्र को अच्छे से शिक्षा देता है, गलत शिक्षा नहीं देता है, उसको एक बहुत अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करता है। और समय समय पर छात्र के द्वारा की गई जिज्ञासाओं की पूर्ति और उन जिज्ञासाओं की शांति के लिए हरगिज प्रयास करता है शिक्षक। शिक्षक क्या होता है, यू नो, यू आर यूनिक, यू आर ग्रेट। आप जानते हो कि शिक्षक जिस प्रकार कुमार होता है, और कुमार मिट्टी लाता है खोदकर, और उस मिट्टी को खूब गूंथ गूंथ कर, और गूंथने के बाद में उसके लौंदे बनाता है, और लौंदे बना बना के चाक पर रखता है, और चाक पर रखने के बाद में तरह तरह के बर्तनों का निर्माण करता है। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण, स्वर्णकार होता है, सुनार होता है, वो सोना बनाता है, सोना, सोने के पदार्थ, सोना बना लाता है, और उसको पिघलाता है, पिघलाकर उसको बढ़िया अच्छी तरीके से अपने
औजारों के माध्यम से, अपने हाथ के माध्यम से उसमें तरह तरह के आभूषणों का निर्माण करता है, जैसे आपका गले का हार, हाथ की अंगूठी, लर, चैन, जंजीर, जो भी है, कानों के कुंडल, नाक की नथली, जितने भी आभूषण है वो निर्माण करता है। बस उसी प्रकार एक शिक्षक होता है, अपने छात्र को तरह तरह के शिक्षाओं के माध्यम से, तरह तरह के अपने विशेषताओं के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने मनोविज्ञान के माध्यम से उसको सजोता है, अच्छे तरीके से उसको शिक्षित करता है और आगे बढ़ाता है। तो यह है आपका जो मेरे प्रिय शिक्षक। अब उस प्रिय शिक्षक की बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो सबसे आपके प्रिय शिक्षक रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रारंभ करता हूं अपनी बात को। विद्यार्थी जीवन में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। बिना शिक्षक के विद्यार्थी का जीवन अधूरा होता है। शिक्षक के उचित मार्गदर्शन से विद्यार्थी का भविष्य उज्ज्वल बन जाता है और शिक्षक के अच्छे निर्देशन के माध्यम से जो शिक्षार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो छात्र होता है, उसका जीवन उज्ज्वल बन जाता है। ये बात बिल्कुल सटीक है। मेरे विद्यालय में अनेक प्रशिक्षित एवं कुशल अध्यापक हैं। मेरे विद्यालय में, यह मेरे प्रिय शिक्षक, अर्थात एक छात्र है अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिख रहा है। यहाँ आपको भी अपने प्रिय शिक्षक के बारे में बताना है, प्रिय छात्रों। तो कहने का तात्पर्य, मेरे विद्यालय में अनेक प्रशिक्षित एवं कुशल अध्यापक हैं। अब एक छात्र कह रहा है कि मेरे विद्यालय में अनेक प्रशिक्षित और शिक्षित अध्यापक हैं। सभी अध्यापक परिश्रमी एवं लगनशील हैं और सभी अध्यापक जितने भी मेरे स्कूल में हैं वो सभी परिश्रमशील, अटूट साहस, अविचल धैर्य के साथ में कार्य करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, पूरी तन्मयता से छात्रों को पढ़ाते हैं। मैं सभी अध्यापकों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा का भाव रखता हूँ। वो अपनी तन्मयता के साथ में सभी सभी छात्रों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं एवं श्रद्धा और अच्छी भावना से पढ़ाते हैं। और मैं भी, एक छात्र कह रहा है, मैं भी अपने अध्यापक के प्रति अच्छी श्रद्धा और भक्ति रखता हूँ। अब छात्र अपने जीवन काल के अध्यापक के बारे में बता रहा है, यहां मैं बता रहा हूं। परंत हिंदी के अध्यापक श्री सोहनलाल के प्रति मेरा असीम स्नेह है। प्रत्येक छात्र का अपना अपना स्नेह होता है अपने शिक्षक के प्रति, और सभी शिक्षकों में एकाध शिक्षक के प्रति गहरा सम्मान हो जाता है। उसका कारण यह है कि वो शिक्षक छात्रों की नज़र में अच्छा होता है, उसके क्योंकि हर प्रकार से वो छात्रों की जिज्ञासा को पूरा करता है, हर प्रश्न का जवाब देता है, अच्छे तरीके से पढ़ाता है और सबको एक भावना से देखता है। चाहे वो किसी भी तबके का छात्र हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कौम से बिलोंग करता हो, किसी भी रंग रूप का हो, वो इस प्रकार की भावना नहीं रखता है। वो सबके साथ में समानता का व्यवहार रखता है, सबके साथ में समान व्यवहार करने की कोशिश करता है। यह एक उत्तम शिक्षक का लक्षण होता है और उसी उत्तम शिक्षक के प्रति छात्रों की अच्छी भावना हो जाती है। तो सभी शिक्षकों में एकाधिक जो शिक्षक होते हैं उसके प्रति ज्यादा भावना हो जाती है। तो यहां वर्णन हिंदी के अध्यापक के लिए कर रहा है कि परंतु हिंदी के अध्यापक श्री सोहनलाल के प्रति मेरा असीम स्नेह है। श्री सोहनलाल हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, उनका हिंदी भाषा का पूर्ण अधिकार है। वर्तमान में अंग्रेजी का बोलबाला है और अधिकतर छात्रों का रुझान अंग्रेजी की ओर है। हिंदी विषय को आज के छात्र उबाऊ, कठिन समझते हैं, लेकिन हमारे हिंदी के शिक्षक विषय को इतने रोचक एवं सरल ढंग से पढ़ाते हैं कि कठिन शब्द भी आसान लगते हैं। अब यहाँ छात्र अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। यहाँ मेरे प्रिय शिक्षक शीर्षक के माध्यम से छात्र अपनी भावना को यहाँ प्रकट कर रहा है, कह रहा है कि लोगों की दृष्टि, कुछ एक छात्रों की दृष्टि ये होती है हिंदी भाषा को लेकर कि हिंदी भाषा उबाऊ है, मन नहीं लगता है हिंदी भाषा में, अन्य विषय में ज़्यादा मन लगता है उसका।
तो वो कह रहा है कि हमारे अध्यापक हिंदी विषय को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, एक एक शब्द की ऐसे पोस्टमार्टम करते हैं, सभी अर्थ प्रसंग व्याख्या भागा और एक एक पंक्ति का अर्थ बताते हुए, एक एक उसमें अलंकार सारी विशेषता को बताते हुए भाषा शैली को इतने रोचक तरीके से पढ़ाते हैं कि हमारा उनकी क्लास लेने का मन हमेशा करता है और मन में भी ये लगा रहता है कि ये बहुत अच्छे हैं और हमें हिंदी विषय उबाऊ नहीं लगता है क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही लाजवाब है। अपनी तरफ वो हर किसी को अपनी योग्यता और ज्ञान के माध्यम से आकर्षण कर लेते हैं। यहाँ एक अध्यापक कह रहा है यहाँ एक छात्र कह रहा है अपने अध्यापक के लिए। वे छात्र के प्रत्येक प्रश्न का ऐसा तार्किक एवं वैज्ञानिक उत्तर देते हैं कि छात्र स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। हिंदी साहित्य काव्य तथा व्याकरण का उन्हें गूढ़ ज्ञान है। भारतीय संस्कृति की पहचान हिंदी भाषा पर उन्हें गर्व है और बड़े उत्साह से पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका जितना आकर्षक है उतना ही उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक है। उनका व्यवहार कक्षा और कक्षा से बाहर भी मृदु है। सभी छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार उनके व्यक्तित्व को और भी निखार देता है। अच्छा कार्य करने पर वे प्रशंसा करने से नहीं चूकते, अनुचित कार्य करने पर डांटने और समझाने से भी नहीं चूकते। अब बहुत सुंदर बात कही, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। जो मेरे प्रिय अध्यापक सोहनलाल शर्मा हैं, एक छात्र कह रहा है अपने प्रिय अध्यापक हिंदी के अध्यापक के बारे में कि वो बहुत ही अच्छे हैं, उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, वो बहुत ही योग्य हैं, वो बहुत ही विवेक युक्त हैं, वो हर समस्या का बड़े अच्छे तरीके से समाधान बताते हैं, हर प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, हर चीज को वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, कक्षा से बाहर भी बहुत अच्छा है, कक्षा के अंतर्गत भी उनका बहुत अच्छा व्यवहार है, सबके साथ वो मृदु व्यवहार करते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं, कभी भी किसी को वो डांटते नहीं हो, अनुचित कार्य करने पर जरूर डांटते हैं, वो कभी अनुचित कार्य करने पर कभी चूकते नहीं है डांटने से, लेकिन अच्छा काम करने पर भी वो शाबाश देने बिना मानते नहीं है। अर्थात जब कोई छात्र अच्छा कार्य करता है तो सिर्फ वो वेरी गुड गुड और उसे शाबाश बोलते हैं, लेकिन वही कोई यदि छात्र विद्यार्थी गलत कार्य कर रहा है तो वो डांटे बिना चूकते भी नहीं है, उसे डांटते हैं। तो ये अच्छे उत्तम शिक्षक की ये सारे लक्षण हैं। शरारती छात्रों पर उनका पूरा नियंत्रण रहता है और जो भी क्लास में शरारती छात्र होते हैं, जो शरारत करते हैं तरह तरह की, पढ़कर ना आना, होमवर्क कंप्लीट करके ना लाना, क्लास की लाइट बुझा देना, बच्चों को आपस के मित्रों को परेशान करना, जो शरारत के अंतर्गत जितने भी बातें आती हैं वो शरारती छात्र के अंतर्गत होती हैं। वे ऐसे शरारती छात्रों पर नियंत्रण रखते हैं, उनके डिसिप्लिन उनका इतना सुंदर इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बढ़िया है। वो अनुशासन से युक्त हैं, स्वयं भी अनुशासन में रहते हैं, छात्रों को भी अनुशासन सिखाते हैं और सब प्रकार के छात्रों पर उनका कंट्रोल है, नियंत्रण है। वे अनुशासन प्रिय हैं, हसमुख हैं, मृदुभाषी एवं व्यावहारिक अध्यापक हैं। मृदुभाषी हैं, हसमुख हैं और उनका व्यवहार बहुत सुंदर है। विद्यालय का प्रत्येक छात्र उनका सम्मान करता है। विद्यालय का कोई भी छात्र हो, कोई भी विद्यार्थी हो, उनका सम्मान करता है। जो हिंदी के अध्यापक हैं उनका सम्मान करता है। वे छात्रों की समस्या का समाधान पलभर में कर देते हैं और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है वो छात्रों की कोई भी समस्या हो उस समस्या को पलों चंद मिनटों में दूर कर देते हैं। ऐसी उनकी विशेषता है जो हिंदी के अध्यापक सोहन लाल है। ऐसा एक छात्र अपने हिंदी के टीचर के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। पिता एवं भाई के समान उनका व्यवहार है, अत्यंत शोभनीय है और जिस प्रकार पिता का व्यवहार होता है, बड़े भाई का व्यवहार होता है, उसी प्रकार उनका व्यवहार है और वो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, घर के मेंबर की तरह उनसे बात करते हैं। पिता एवं भाई के समान उनका व्यवहार अत्यंत शोभनीय है। वे योग्य, निडर, कर्मठ,
दृढ़ निश्चय एवं अनुशासन प्रिय शिक्षक है। ये सारी जो एक अच्छे शिक्षक के अंतर्गत जो विशेषताएं होनी चाहिए, वे सारी विशेषताएं हमारे हिंदी के अध्यापक जो है सोहन लाल जी उनके अंतर्गत देखने को मिलती है। वे योग्य हैं, बहुत ही टैलेंट हैं और निडर हैं, किसी प्रकार से उन्हें डर नहीं लगता है, कर्मठ है, अर्थात हर काम को अच्छे तरीके से करने की उनकी शक्ति है, दृढ़ निश्चय है, जो कुछ भी सोच लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं एवं अनुशासन प्रिय शिक्षक हैं और वो अनुशासन को बहुत चाहते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं और खुद तो करते ही हैं, छात्रों से भी करवाने की पूरा प्रयास करते हैं। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ और एक छात्र अपने अध्यापक के प्रति भावना भक्ति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कह रहा है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे, वे सबके प्रिय अध्यापक हैं और ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्राप्त करे और ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे, वो सबके प्रिय हैं, वो उनका व्यवहार बहुत कुशल है। तो एक अच्छे अध्यापक के अंतर्गत, एक अच्छे शिक्षक के अंतर्गत जितनी भी कुशलताएँ होनी चाहिए, वे सारी कुशलताएँ इस मेरे प्रिय शिक्षक के माध्यम से यहाँ एक छात्र अपने सोहन लाल जो हिंदी के अध्यापक हैं उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार यह मेरे प्रिय शिक्षक पर अनुच्छेद हो जाता है। तो आप इसी प्रकार अपने प्रिय शिक्षक पर आप अनुच्छेद लिख सकते हो, उसके बारे में बताना, उसके व्यवहार के बारे में बताना, उसकी कुशलता के बारे में बताना, उसकी योग्यता के बारे में बताना, उसकी सामाजिक भावना के बारे में बताना, उसके बिना भेद किए हुए बच्चों के साथ में व्यवहार उसके बारे में बताना, ये सारी चीज़ें आपको मेरे प्रिय शिक्षक जो एक लघु निबंध कहलाता है जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं, यहाँ ये मेरे प्रिय शिक्षक पर आज अनुच्छेद हो जाता है। इस प्रकार आप जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप क्रमशः लिख सकते हैं, परीक्षाओं में भी लिख सकते हैं और आप अगर मैं आपको स्कूल में लिखाऊँ तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो जाता है मेरे प्रिय शिक्षक। धन्यवाद।